रिलीज होने वाली है। क्या वरुण धवन ने वाकई बोला है कि वो एक ओटीटी एक्टर नहीं बनना चाहते, और क्या उन्होंने खुद को कंपेयर कर दिया है बॉलीवुड के खान से? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं हूं सोनिका जयाल। बात करेंगे कूली नंबर 1 की, जिसकी बात हमने काफ़ी टाइम से नहीं की है, और अब खबरें आ रही हैं, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ रही है, और साथ ही ये फिल्म कब रिलीज़ होगी इस बारे में बताएंगे। तो तैयार हो जाइए और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। दरअसल एक आर्टिकल छपा था कूली नंबर 1 के एक्टर वरुण धवन के लिए, और कहा गया था कि उन्होंने कहा है कि मैं ओटीटी एक्टर नहीं बनना चाहता, यानी कि वो नहीं चाहते कि कूली नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो। अब भाई पहले तो बात हो गई है, सारी अमेज़न प्राइम से डील हो चुकी है, पहले 13 नवंबर की डेट फिक्स हो चुकी है 2020, लेकिन अब ये डेट भी चेंज हो गई है, बाद में बताती हूँ कब रिलीज़ होने वाली है। और जो वासु भगनानी है, डेविड धवन है, उन्होंने मिलकर पैसा लगाया है, डेविड धवन ने इसे डायरेक्ट किया है। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई ये आर्टिकल निकला कहाँ से। दरअसल जो वरुण धवन है, उन्होंने जिम में किसी से ऐसी मज़े में बोल दिया होगा कि मैं OTT एक्टर नहीं बनना चाहता, जब तक खान्स नहीं आते मैं भी नहीं आता इस OTT प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे ही ये खबर लीक हुई तो सबके फैंस, जो अक्षय कुमार और खान्स के फैंस हैं, उन्होंने वरुण धवन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कहने लगे शान है, क्या समझता है खुद को, बहुत बड़ा एक्टर हो रहा है तो मतलब कंपेयर करेगा खुद को खान से। तो इस पर अब जब ये वायरल होने लगा तो वरुण धवन तक भी पहुँच गया। तो वरुण धवन ने कहा इस आर्टिकल की वेबसाइट को कि जब तक मैं खुद इंटरव्यू ना दूं, मेरे बिहाफ पर कुछ भी ना कहे, यानी कि उन्होंने सिरे से नकार दी ये बात। हो सकता है उन्होंने कह दी हो, लेकिन मज़े मज़े में की हो, कोई ऑफिशियली नहीं कहा गया था। तो ये चीज़ उन्होंने आर्टिकल लिखने वाले को समझा दी कि मेरे बिहाफ में कोई भी चीज़ ना कहें। ऐसा हो जाता है, जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, वो भी जर्नलिस्ट होते हैं, वो भी ऐसे काम कर लेते हैं, थोड़ी सी खबर मिली तो उसको बड़ा चढ़ा कर बोल देते हैं। तो ऐसे ही वरुण धवन के साथ हुआ है, बेचारे वरुण धवन फालतू में ट्रोल हो गए हैं। खैर आपको बता दें, कूली नंबर 1 एक बेहद ख़ास फिल्म होने वाली है। गोविंदा और करिश्मा कपूर के जादू को रिक्रिएट किया जाएगा सारा अली खान और वरुण धवन द्वारा। साथ ही इसमें गाने आएंगे मैं तो रस्ते से जा रहा था और हुस्न है सुहाना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फिल्म होने वाली है, और वही जादू दोबारा देखने को मिलेगा। गोविंदा और करिश्मा की याद तो आएगी ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, काश गोविंदा और करिश्मा का कोई कैमियो इसमें देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इसके अलावा आपको बता दें, ये फिल्म अब 13 नवंबर को रिलीज़ नहीं होगी, इससे पहले 9 नवंबर को लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज़ होगी। उसके बाद अब कहा जा रहा है या तो ये दिसंबर में रिलीज़ होगी या तो अगले साल चली जाएगी। और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, बिग बोल, ये सारी फिल्में OTT पर ही रिलीज़ होने वाली है। फिलहाल एक फिल्म कंफर्म हो चुकी है, छलांग, जो कि राजकुमार राव और नुसरत भरूचा की फिल्म है, जो कि आपको दिवाली के मौके पर देखने को मिलेगी, यानी कि नवंबर में ही रिलीज़ हो जाएगी। राजकुमार राव एक कमाल के एक्टर हैं, उनकी कितनी फिल्में आपने देखी होंगी। दिखने में सिंपल से हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो एक साधारण से दिखने वाला लड़का सबका पसंदीदा हीरो बन जाता है, एक आम सा लड़का। तो ऐसे ही क्वालिटीज़ उनमें है, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब एक्टर्स हैं, उसी तरह के उम्दा कलाकार हैं, और उनकी फिल्मों का भी काफ़ी इंतज़ार रहता है लोगों को। तो फिलहाल आप बताइए, कूली नंबर 1 का आपको कितना इंतज़ार है? क्या आप भी समझते हैं, क्या आप भी सोचते हैं कि वही जादू क्रिएट होगा गोविंदा और करिश्मा वाला? नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड रिव्यूज़, अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।